जी बिल्कुल, देखिए अभी आतिशी मार लेना को जिस तरीके से ध्वजारोहण के लिए कहीं ना कहीं आगे किया गया था, अब मनीष सिसोदिया के आने के बाद अब यहाँ से आम आदमी पार्टी जो है अपने लिए कई तरह के स्टैंड जो है वो कह सकते हैं बेहतर करती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी जो लगातार माहौल में सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, हमें याद है कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। अब ऐसे में जमानत मिलने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है, और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला आया है तो भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों में कहीं ना कहीं उधेड़ बुन शुरू हो गई है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर आने के बाद क्या कुछ आम आदमी पार्टी में फेरबदल करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे थे, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई और बीजेपी की वापसी होती हुई नजर आई। अब देखना दिलचस्प होगा कि मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में बाजी मारती हुई नजर आएगी, सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होती हुई नजर आएगी, या फिर यहां पर परिणाम बदलते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे पर न्यूज रूम के सहयोगियों से बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल लेंगे अमन सर से। अमन सर, क्या कुछ लगता है जिस तरह से 17 महीने जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर बड़ा फैसला सुनाया, उनको बड़ी राहत दी है, जमानत मिलती हुई नजर आ रही है, तो क्या कुछ लगता है कि आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीतियां किस तरह से रहेंगी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसा संजय सिंह और तमाम लोग कह रहे हैं कि सत्य की जीत है, और ऐसे में सबसे बड़ी बात कि मनीष सिसोदिया लगभग 17 महीने जेल के अंदर बंद थे और यही सब लोग कहते हुए नजर आते थे कि भाई सबूत नहीं है, तमाम चीज़ों की जांच हो रही है, तो आखिर उनको इस तरह सलाखों के पीछे बंद करने का मकसद क्या है? उनके खिलाफ आप जाँच करिए लेकिन उनको सलाखों के पीछे मत रखिए। आखिरकार जद्दोजहद के बाद, यानी कि तकरीबन 1.5 साल की ये कह सकते हैं कि लगातार अदालत में पेश होने के बाद उनको जमानत मिलती हुई नजर आई है। अब यहाँ से आम आदमी पार्टी जो है अपने लिए कई तरह के स्टैंड जो है वो कह सकते हैं बेहतर करती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी जो लगातार माहौल में अपने आप को कह सकते हैं आम आदमी पार्टी से भी साबित करने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जो थी वो कह सकते हैं आम आदमी पार्टी को नहीं मिली और यहां पर बीजेपी ने 7 की 7 सीटों पर एक तरीके से कब्जा किया। तो यहां पर मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद एक तरीके से संजीवनी सी मिलती हुई नजर आएगी आम आदमी पार्टी को, एक राहत मिलती हुई नजर आएगी, और हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ी रणनीति यहां पर आम आदमी पार्टी बनाती हुई नजर आए। तो सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है अब मनीष सिसोदिया की यहाँ पर जमानत हो जाती है, तो क्या लगता है क्या अरविंद केजरीवाल की जमानत अगर हो जाती है तो आम आदमी पार्टी के लिए कितनी यहाँ पर हेल्प हो जाएगी? देखिए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। संजय सिंह पहले ही जेल से बाहर हो चुके हैं, मनीष सिसोदिया आज उनको जमानत मिल गई है, ऐसे में अगर केजरीवाल भी जेल से बाहर आ जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और साथ में देखिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए अभी की राहत नहीं है बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले उनको रणनीति बनाने का एक बेहतर मौका मिल सकता है। संजय सिंह बड़े लीडर हैं, जाहिर बात है मनीष सिसोदिया बड़े लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे साथ बैठ कर, अगर बैठक होगी, बातचीत होगी और तमाम रणनीति बनाई जाएगी तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी कोई बेहतर रास्ता 2025 के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 बार से लगातार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते चले आ रहे हैं, तो ऐसे में वो चाहेंगे कि इस बार भी उनकी पार्टी सत्ता में आए और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, तो अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दें, आम आदमी पार्टी का सत्ता पर दोबारा से कब्जा हो, यही यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा जिस तरह से मनीष सिसोदिया की जमानत पर बाहर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर हलचल मची पड़ी है, उस पर क्या कुछ यहां पर आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव में दिल्ली में जीतने के बाद, आम आदमी पार्टी के हराने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगला सवाल यहां पर दिनेश से रहेगा। दिनेश, क्या कुछ लगता है जिस तरह से यहां पर आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में यहां पर हार का सामना करती हुई नजर आई और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल जाती है, तो यहां पर कितना अच्छा, कितना आसान सफर आगे का रहने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा झटका लग सकता है? देखिए, अब कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली देखें तो बीजेपी बैकफुट पर आती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से शराब नीति घोटाला मामले को लेकर तमाम जो बयानबाजियां की गई, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, हमें याद है कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को यहाँ पर घोटालेबाज बताया था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से जो केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ हैं उनके चंगुल में ये फंसे हैं, ऐसे में बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन बड़ी राहत यहाँ पर कुछ दिनों पहले हमने
देखा था कि संजय सिंह जो है रिलीज हुए थे, उसके बाद अब मनीष सिसोदिया की जमानत पर बड़ा फैसला आया, अरविंद केजरीवाल को भी ईडी मामले में यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है, लेकिन अभी सीबीआई मामले में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पर और सुनवाई होने वाली है। तो आगामी वक्त यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए एक नई उम्मीदों का यहां पर वक्त हो सकता है, क्योंकि बड़े नेता जो कि जेल के सलाखों के पीछे अंदर चले गए थे, यहां पर लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है सियासी हाशिए पर नजर आ रही थी, अस्तित्व खतरे में नजर आने लगा था, क्योंकि एक के बाद एक करके बड़े दिग्गज नेताओं की गैर मौजूदगी होना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रही थी कि आम आदमी पार्टी आने वाले वक्त के लिए कमजोर होती हुई नजर आएगी। दिल्ली की सियासत पर भी यहां पर कहीं ना कहीं कमजोरी देखने को मिली थी, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जिस तरीके से दिल्ली में वाटर क्राइसिस हुआ, तमाम जिस तरीके की जो समस्याएं देखने को मिली, और उसके बाद आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जेल की सलाखों के पीछे से वो बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन पहले संजय सिंह की रिहाई, उसके बाद अब केजरीवाल, यहां पर सिसोदिया की जमानत, तो इस बात के संकेत हैं कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी, और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी खबर ये साबित हो सकती है, और देखा जा रहा है जिस तरह से आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान यहाँ पर जिन समस्याओं से जूझती हुई नजर आई, जिन बातों को लेकर यहाँ पर उलझती हुई नजर आई, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अब यहाँ पर मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत हो सकती है। और ऐसे में अगला सवाल हमारा माही से रहेगा, माही क्या कुछ लगता है जिस तरह से अब मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, जमानत पर बाहर आ गए हैं, तो अब देखा गया कि जिस तरह से सीएम चेहरे को लेकर यहां पर कहीं ना कहीं विपक्ष निशाना साध रहा था कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल की सलाखों के पीछे हैं तो किसी और को सीएम का चेहरा यहां पर घोषित कर देना चाहिए, क्या लगता है कि अब मनीष सिसोदिया वो चेहरा होंगे? जी बिल्कुल, देखिए अभी आतिशी मारलेना को जिस तरीके से ध्वजारोहण के लिए कहीं ना कहीं आगे किया गया था, अब मनीष सिसोदिया के आने के बाद ये अटकलें लगाई जा सकती है, क्योंकि इसके पहले वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, और अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में उन्होंने अपना योगदान निभाया है, मुझे नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल ज्यादा संकोच करेंगे उनको सीएम पद देने के लिए। वहीं अगर बात करें संजय सिंह की या फिर आतिशी के, तो उनको संकोच हो रहा था, सुनीता केजरीवाल किसी भी तरीके का कोई पद नहीं चाहती, ना वो राजनीति में एक्टिव रहना चाहती हैं, वो बस अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में कहीं ना कहीं उनकी जो जिम्मेदारी है वो निभाते हुए नजर आ रही थी। लेकिन अब मनीष सिसोदिया के आ जाने से ये बात कही जा सकती है कि अगर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा भी देना पड़ जाए तो शायद वो संकोच नहीं करेंगे और अपनी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया को सौंपने में हिचकते हुए भी नहीं नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया को सौंपने में हिचकते हुए नजर नहीं आएंगे। अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी कितना भयंकर यह मुकाबला हो सकता है। और अगला सवाल और आखिरी सवाल यहां पर शालिनी से रहेगा, शालिनी क्या कुछ लगता है जिस तरह से मनीष सिसोदिया को यहां पर जमानत मिलती हुई नजर आ रही है, अब अरविंद केजरीवाल की भी आज सुनवाई होनी है, तो क्या लगता है, क्या आज जो सुनवाई होनी है उसमें अरविंद केजरीवाल को भी जमानत जैसी कोई राहत मिलती हुई नजर आएगी? देखिए मनीष, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अदालत को भी इससे कुछ सीखना होगा, इस तरीके के बयान दिए जाते हैं कि केवल और केवल शक के बिहाव पर हम किसी को 17 महीने तक जेल में बंद नहीं रख सकते हैं, तो अब जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उन्हें जमानत मिल चुकी है, ऐसे में कयास तो अब यही लगाए जा रहे हैं कि क्या केजरीवाल को भी आज जो सुनवाई होगी उसमें बड़ी राहत मिलेगी, उनके समर्थन में जो फैसला होगा उसको सुरक्षित रख लिया जाएगा और अगली तारीख में उस फैसले में उन्हें भी जमानत मिलती हुई नजर आएगी। वहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अब खुशी से झूमती हुई भी नजर आ सकती है, क्योंकि आम चुनावों में देखा गया था कि दोनों ही बड़े चेहरे जेल के अंदर थे, केजरीवाल को राहत मिली भी थी, 21 दिन के लिए बाहर आए भी थे, लेकिन वो राहत उस तरीके से नहीं देखी जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से अब मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, तो ऐसे में कयास यही है कि अब अरविंद केजरीवाल को भी जल्द कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती नजर आएगी। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जल्द सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत मिल जाती है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए वाकई आने वाला समय काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर न्यायिक हिरासत में रहने के बाद आम आदमी पार्टी जिन समस्याओं से जूझती हुई नजर आई, अब उन समस्याओं का
उसका निवारण कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया तो करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आज जो अरविंद केजरीवाल को लेकर यहाँ पर सुनवाई होने वाली है और सुनवाई का जो फैसला यहाँ पर आएगा वो आगे की आम आदमी पार्टी की रणनीतियां तय करता हुआ नजर आएगा। केजरीवाल को यहाँ पर जमानत मिल जाती है तो बेशक आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में दोबारा वापसी करती हुई नजर आएगी, लेकिन अगर यहाँ राहत नहीं मिलती है तो शायद थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन मनीष सिसोदिया को जो राहत मिली है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में चार चांद लगाती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 News।